नवरात्रि का उत्सव शुरू होने में अभी कुछ महीनों का समय है। ऐसे में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के गरबा में एंट्री ना कर पाए, इसके लिए आधार कार्ड को जरूरी करने की बात कही जा रही है। मामला भोपाल का है, जहां की हिंदू उत्सव समिति ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें आधार कार्ड पर एंट्री करवाने की इजाजत दी जाए। हिंदू उत्सव समिति का आरोप है कि गरबा में पहुंचने वाले ज्यादातर मुस्लिम युवकों का लक भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना होता है। ऐसे में हिंदू उत्सव समिति का कहना है कि गरबा आयोजनों में सिर्फ हिंदू युवकों का प्रवेश हो, ऐसे में आधार कार्ड को देखते ही उस इंसान की पहचान जाहिर हो जाएगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला मुस्लिम युवकों को गरबा से बाहर रखने के लिए किया गया है। भोपाल जिला प्रशासन की एक शांति बैठक में हिंदू उत्सव समिति ने यह मांग रखी है। हिंदू उत्सव समिति में करीब 6000 सदस्य हैं। समिति होली, दिवाली, गणेश पूजा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है, पर गरबा का नहीं। इतना ही नहीं, समिति ने गणेश उत्सव और जैन धर्म के पर्युषण पर्व के दौरान मीट और शराब की दुकानें बंद रखने की मांग भी की है। साथ ही संगठन का कहना है कि अवैध तरीके से मीट खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं साल 2015 में गुजरात में गैर हिंदुओं को VHP ने चेतावनी दी थी कि गरबा से दूर रहो तो बेहतर होगा। पोस्टर लगाकर विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी थी कि अगर कोई मुसलमान लड़का गरबा करते पाया गया तो उसकी घर वापसी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, संगठन ने यह भी कहा था कि अगर रात 12 बजे से पहले पुलिस ने कार्यक्रम बंद करवाया तो मस्जिद से माइक उतार लिया जाएगा।